जा रहे हैं, आगरा का जो रेड फोर्ट है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं तो ये सैलेंस और ये कपिल और दिल्ली में ये काश्मीर का उत्तरी पश्चिमी पश्चिमी गेट है, वो वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। तो हम पहुँचते हैं आगरा फोर्ट, वहाँ पे मिलते हैं आपको। जो भी इंटरेस्टिंग होगा आपको दिखाएंगे। यूँ ही जुड़े रहें हमारे ब्लॉग में और देखते रहें नमी तुम्हारा ब्लॉग को। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं हम, फिर बताते हैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी होगी आपको, जो भी देंगे इंटरेस्टिंग होगी। तो चलते हैं हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर जरूर चलते हैं। यहाँ से ये टिकट काउंटर है, जस्ट आने के बाद यहाँ पर आपके राइट साइड ये टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट लिख सकते हैं। यहाँ पर पर्सन का टिकट मिनिमम 40 रुपये है और जो कि फॉरनर के लिए ऐसा समथिंग 700 है। तो हम वहाँ पर टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर की ओर, दिखाते हैं आपको जो भी इंटरेस्टिंग होगा। छोटे रहे हैं ब्लॉग में, ऐसे देखते हैं नवनीत द्वारा ब्लॉग को। चलते हैं और मिलते हैं हम अंदर की ओर। फाइनली हमने टिकट कलेक्ट कर लिया है, ये टिकट रहा हमारा। टिकट में क्यू आर वगैरह सब कुछ होगा, बाकी डिटेल लगी रहती है। टिकट जो है 50 रुपये हो गया, पहले समथिंग था ऐसा ही 40 रुपये समथिंग था, इसमें 10 रुपये और एक्स्ट्रा पड़ गए हैं। वही पद का टैक्स करके लग गया है उसमें, तो 10 रुपये उस चीज़ पर पड़ गए हैं। तो हम एंट्री करते हैं, ये रहा आगरा फोर्ट। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको जो भी इंटरेस्टिंग रहेगा ब्लॉग में। यूँ ही देखते रहे हमारे ब्लॉग को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंदर की ओर यहाँ पर चेकिंग हुई, एक चेकिंग की सिक्योरिटी लगी हुई है। आने के बाद चलते हैं एंट्री की ओर, यहाँ से एंट्री होगी हमारी। यहाँ से एंट्री करा, चेकिंग करा के आ चुके हैं और ये रहा एंट्री गेट। समय हमको दिखता है कुछ ऐसा व्यू। हाँ, इससे पहले मैं आया था तो यहाँ से काफ़ी कुछ बदल चुका है, देखिए ऊपर से अंदर की ओर। चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो भी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। अब चलते हैं अंदर की ओर, ये रहा एंट्री गेट। एंट्री गेट देखेंगे, ये ऊपर की ओर मतलब चढ़ता हुआ है, आप वहाँ से आते तो नीचे उतरते हुए आएंगे और यहाँ से जाएंगे तो चढ़ते हुए जाएंगे। सो गर्मी में तो वैसे भी थकान सी महसूस हो रही है, तो ये चढ़ाव है, चढ़ना तो पड़ेगा ऊपर जाते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो भी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ से। गेट था, एंट्री गेट से आने के बाद चलते हैं अंदर की ओर। अंदर की ओर को देखने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखता है आपको। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये मुसम्मन बुर्ज और अंगूरी बुर्ज, ये देख सकते हैं इस तरफ का एरो है और अंगूरी महल इस तरफ की ओर है। हम चलेंगे वहाँ पर, दिखाएंगे आपको और एक्सप्लोर कराएंगे जो भी इंटरेस्टिंग होगा। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर जो जो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था आगरा फोर्ट का, वो बहुत ही लॉन्ग हो गया था, तो हम चल गए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं जो भी सारी इंटरेस्टिंग होगी। यूँ ही जुड़े रहें हमारे ब्लॉग में, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये बावली दीवाने आम है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ही कुएं की तरह दिखता है, आप देख सकते हैं ये कुएं की तरह दिखता है। इसमें बताया जाता है कि बाबरी नाम का कोई एक शख्स था, जैसे जोधा भाई से मतलब प्रेम हो गया था, तो उसे इस सजा के रूप में उसे इस कुएं के अंदर बंद कर दिया गया था। यह है दीवाने आम जो आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम है। तो चलिए दीवाने आम में देखते हैं क्या फैसला होता है आज दोस्तों। मैं दीवाने आम का संबंध बता दूं किस संबंध से है। दीवाने आम का संबंध है वहाँ पर, जहाँ पर लोगों की मतलब दरख्वाहिशें सुनी जाती थी। राजा बैठता था यहाँ पर, एक दिन होता था जो शेड्यूल होता था कि उस समय पर एक शेड्यूल होता था जहाँ पर लोगों की दरख्वास्त सुनी जाती थी और राजा वहाँ पर आता था, उनके मंत्री आते थे और राजा को वहाँ पर यानी कि आम लोगों की आम जनता की बातें वहाँ पर सुनी जाती थी। और ये तोहफे उस ज़माने की देख सकते हैं आप, ये कितनी बड़ी दिख रही है। ऐसा ही एक तोप झांसी में है जो देखी होगी आपने, ये देख सकते हैं आप, ये कितनी बड़ी है। और ये शायद प्योर लोहे की है, ये देख सकते हैं प्योर लोहे की है। राजा बैठा करते थे और यहाँ पर नीचे जो उनकी जनता बैठा करती थी वहाँ पर उनके निर्णय हुआ करते थे। जो भी शिकायतें होती थी वो अपने राजा से बताते थे, मंत्री से बताते थे और उनकी एक सही निर्णय लिया जाता था। जो भी छोटे मजदूर वर्ग के लोग हुआ करते थे उनकी ये दीवाने आम बनाया गया था। ये वो आम नहीं जो खाया जाता है। खास लोगों के लिए बनवाया गया है।
देख सकते हैं दे आर ऑसम सो फैसिनेटिंग है। ये दसवीं दरवाजा है, इस पर सारी जानकारी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम अंदर की ओर और व्यू देखते हैं, यहाँ से सामने ताजमहल का व्यू देखते हैं, दिखाते हैं आपको वो क्या सकता है। चलते हैं हम अंदर की ओर। अंदर की ओर आने पर हमको दिखता है कुछ ऐसा भी जो आप देख सकते हैं। अभी मैं जब आपको दिखा रहा था तब मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से चलूँगा इस तरफ की ओर, फिर ये दिखाता हूँ आपको क्या है। ये सेम डायरेक्शन सेम ऐसा ही सब कुछ बना हुआ है, जो एज अ रूम कह सकते हैं, रूम तो नहीं है, ये रूम तो नहीं है, पर कह सकते हैं इसको। तो ये देखते हैं कुछ अंदर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है हमको, ये कुछ व्यू ऐसा है अंदर का, आने पर हमको कुछ ऐसा व्यू दिखा सकते हैं। ये कुछ व्यू है, चलिए अब चलते हैं बाहर की। चलते हैं अब अंदर की ओर। ये डायरेक्शन आप यहाँ से अगर इस तरफ को आते हैं तो ये डायरेक्शन में आपको उतना ही छोटा दिखाता चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उतना ही छोटा दिखाता चला जाएगा, ये इसकी खूबी है। यहाँ से दिखाते हैं आपको ये लास्ट वाले से, यहाँ से देखेंगे आपको और ही छोटा दिखेगा। ये व्यूरा देखिए और ही छोटा दिख रहा है वहाँ से, अगर दिखाए ये शाहजहानी महल है। यहाँ से चलते हैं अंदर की ओर। रोशन आरा का संबंध है, यानी कि जैसे कि अपने घर में खिड़कियाँ होती थी तो उसमें थोड़ी थोड़ी जाली होती थी, ऐसा ही ये है, ये मार्बल से बनाया गया है, जिसे रोशन आरा कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, और दूर से दिखाते हैं, ये इस तरह कुछ इस तरह दिखता है, इसे रोशन आरा कहते हैं। इसे पत्थर से बनाया गया था, इसकी ये खूबी है कि यहाँ से जो भी हवा आती है मतलब बहुत ही कूल आती है। और और बहुत ही नॉइज़ है, तो मैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैच कर मैं यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहूँगा आपका। तो यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये मेटल्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए कि लाइटिंग हो रही है, यानी कि बिना किसी कोई भी चीज़ लगाए यहाँ पर देखिए लाइटिंग कैसी होती है। धूप पड़ती है उस पर ऑटोमेटिक लाइटिंग होती है, जब नाइट में भी ये सेम रहती है, नाइट में आप देख सकते हैं अगर नाइट में इवनिंग टाइम विजिट करते हैं इसको बिफोर 6 o'clock, तो आप देखेंगे वहाँ पर जो सूर्य की यानी जो चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं इस पर चंद्रमा रात में, तो देखेंगे कि ये एज अ लाइट 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 कवर करता है, जो ये पत्थर है ये लाइट कवर करता है। ये ऑलरेडी देख रहे हैं अभी कितना मतलब फैसिनेटिंग है, और ये ऑलरेडी मोस्टली ये सूर्य की किरणों से चमक रहा है, ये व्यू रहा। चलते हैं और आगे की ओर दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे जैसे कि ये ताजमहल यहाँ से इतना बड़ा दिख रहा है, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा आपको ताजमहल छोटा दिखता चला जाएगा, जितने जितने आगे बढ़ूँगा ताजमहल उतना ही छोटा दिखता चला जाएगा। देखते हैं और मैं इनको जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट था, तो यहाँ से देखेंगे ताजमहल, देखिए कितना मतलब छोटा दिख रहा है, वहाँ से कितना बड़ा दिख रहा है, तो मैंने आपको जूम करके दिखाया था, अगर यहाँ से जूम करूँ ना तो फिर भी इतना नहीं दिख रहा जितना वहाँ से दिख रहा था, जैसे मैंने आपको दिखाया है। देख सकते हैं आप, यर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ
रेड फोर्ट इज अ मैजिकल। ये रहा मुसम्मन बुज, मुसम्मन बुज चलते हैं, आप दिखाते हैं हम यहाँ पर क्या क्रिएटिव है। ये रहा मुसम्मन बुज, देख रहे हैं आप, ये मुसम्मन बुज। मुझे इसे मुसम्मन बुज क्यों कहते हैं, इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि मैं बता दूँ कि जब जब शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाने के बाद उसके पुत्र ने उसको मतलब रियासत छीने के चक्कर में उसे यहाँ पर कैद कर दिया था, और उसे शर्त ये रखी थी कि यहाँ पर जो यहाँ देखिए एक चीज़ दिखा रही है आपको, ये बाथटब दिख रहा है, ये बाथटब दिख रहा है, यहाँ पर नहाने से खाने पीने तक की सारी व्यवस्थाएं थी, और एक चीज़ और यहाँ से उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुझे ताजमहल के दीदार होते रहे, तो उन्होंने ये उनके लिए अलग से एक जगह बनवाई थी जहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में ताजमहल अलग अलग जगह से दिखता है, अगर जिसने कि इस तरफ से करीब से देखेंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में ताजमहल उतने ही करीब से दिखता है। अगर इस चीज़ को कभी आएँ विजिट करें और इस चीज़ को जानें कि ये इतिहास में कितना इंपॉर्टेंट है, ये एज अ मिरेकल टाइप है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप, अगर यहाँ से इस तरफ से देखा जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की, ताजमहल यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, खैर ऑलमोस्ट जितने ही मतलब करीब जाते हैं उतने ही बड़ा दिखता है, और ये उनकी एज अ क्रिएटिव उस टाइम का क्रिएटिव या इंचेंट कह सकते हैं आप उस तरह की एक कला थी जो वहाँ पर रखी गई और उन्हें यहाँ पर कैद कर लिया गया था, ताम्र जी के लिए यहाँ पर कैद किया गया था। देख रहे हैं ये मुसम्मन बुर्ज के जस्ट सामने है, और ये एक एज अ पाइप कह सकते हैं कि जब यहाँ बारिश होती है तो ये पानी सीधा ऊपर से आकर यहाँ पर रुकता है और ये बाहर की ओर रिटर्न करता है। बुर्ज के जस्ट सामने से आपको ये सीढ़ियाँ देखेंगे, सीढ़ियाँ चलती हैं ऊपर की ओर, चलते हैं हम ऊपर की ओर, आ जाओ ऊपर तो पहुँचने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखता है, यहाँ सब चलेंगे मीना मस्जिद की ओर। ये मुझे रास्ता मीना मस्जिद की ओर ले जाता है, ये मीना मस्जिद है, मीना मस्जिद के लिए यहाँ से रास्ता है, देख सकते हैं आप, ये मीना मस्जिद है, ये मीना मस्जिद है, जो उनके राजा हुआ करते थे, राजाओं के जो नौकर थे या पेशा पेशेगार थे वो यहाँ पर मतलब बाजार लगाया करते थे, यहाँ पर एक दिन शेड्यूल होता था जिससे बाजार लगता था, और यहाँ पर मीना बाजार यानी कि मतलब जो गहने कह सकते हैं कि औरतों से रिलेटेड, मतलब औरतें जो चीज़ यूज़ करती हैं यानी कि ज़्यादातर गहने हो गए, गहने से लेकर चूड़ी बालियाँ ये सारी चीज़ें हैं। और ये चलते हैं दिखाते हैं ये क्या है, दीवानी खास है, ये सिला टूटने का मतलब मैं बता दूँ ये सिला क्यों टूटी है, यहाँ पर अभी कुछ समय पहले बताते हैं कि उसी शताब्दी उस शताब्दी में कि जब आक्रमण हुआ था, तो ये सिला जो दिखा रहे हैं आप, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इसे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये तो गोला गोला टाइप में फेंका गया था, जिसे यहाँ से सीधा टकराता हुआ यहाँ पर लगा और इसे सिला टूट गई, और यहाँ पर मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो कि बताने लायक हैं, कभी आए विजिट करें तो ये बहुत ही अच्छा मोनूमेंट और बहुत ही अच्छा एक शानदार ऐसा इमारत महल और मीना मस्जिद, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए हैं, आएँ कभी विजिट करें, देखने में बहुत ही ऑसम और इंटरेस्टिंग है। गिर का सिंहासन था जिसने अपने यानी कि पिता शाहजहाँ को अभी दिखाया था कि मुसम्मन बुर्ज में, ये मुसम्मन बुर्ज देख सकते हैं आप, ये मुसम्मन बुर्ज यहाँ पर कैद कर लिया था, और वहाँ पर बताया था कि आपको वहाँ पर बताया था आपको उस चीज़ बारे में जानकारी दी थी। यहाँ से मीना बाजार से एग्जिट की ओर, ये रहा एग्जिट का, हम चलते हैं एग्जिट की ओर, ये एग्जिट रहा, फाइनली हम यानी कि दीवाने आम में आ गए, ये जहाँ से गए थे मैं बताया था स्टार्टिंग यहीं से हुई थी और एंड भी यहीं से होता है, तो अभी और आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे और भी सारी चीज़ें हैं, कुछ है जो बाहर के पार्ट में रह गई हैं वो भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर, तो चलते हैं, हेलो बाय बाय कर दो। हम लोग यहाँ से गए थे और वहाँ से एग्जिट होके आ चुके हैं, ये रहा गेट, और यहाँ से हम चलते हैं, पानी पीना है तो यहाँ से बोतल भरेंगे पानी के लिए, सब दिखाते हैं आपको और आगे रहेगा जो भी इंटरेस्टिंग। फाइनली हम लोग रिटर्न आ चुके हैं, कपिल कैसा लग रहा है घूम के आने पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, और एक्चुअली रियली मुझे इस जगह पे आके ऐसा लगा है दोस्तों कि मुझे इस जगह पे ऐसा लगा है कि यहाँ पे मेरा पैसा लगा है। अच्छा, रियली मज़ा आया है, काफ़ी पैसा तो लगा लेकिन रियली मज़ा जितना आया है, आप लोग एक बार आके जरूर ट्राई करें। और अब एग्जिट करते हैं, एग्जिट आने के बाद चलते हैं ये मेन गेट की ओर, ये दिख रहे हैं ये एग्जिट गेट है, यार एंट्री भी यहीं से हुई थी, तो चलता हूँ अब एग्जिट कर, चलो हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, चलते हैं, चलिए
आगे चलते हैं, निकल जाओ। हम आउट करके आ चुके हैं, जो कि ये देख रहे हैं ये एंट्री और एग्जिट गेट था, आउट करके आ चुके हैं और अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना, बिल्कुल यूँ ही देखते रहे नवी तोरा ब्लॉग को। बाय।